इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? आवाज नहीं आई। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? आपको फॉल्ट फाइंडिंग आ जाएगी यहाँ पर। चलिए ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? इतना सोच के आया था, उतने दस गुना भी बहुत ना कम है। अच्छा अच्छा, आप बिना सर्किट डायग्राम के मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं? बिना सर्किट डायग्राम का ट्रेस कर सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू। आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? चलो थैंक यू वेरी मच। बना बताओ, अगर मैं आपको लाइट सेक्शन दूँ कि मैं बोलूँ कि इसको ट्रेस करो, क्या आपको डायग्राम चाहिए होगा? नहीं नहीं, कर सकते हैं आप डायग्राम? कैसा मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? डायग्राम की बात करूँ तो आप क्या डायग्राम का नॉलेज रखते हैं यहाँ पर? नॉलेज यहाँ के मिला मेरे को यहाँ पर। अगर मैं किसी आईफोन का बोलूँ या पीबी की बात करूँ या किसी डोंगल की बात करूँ या तो फिर बिना डायग्राम के, क्या हम ट्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने जब यहाँ पर आए तो आपने सीट कन्फर्म करने के लिए कितना समय लग गया? 3 महीना पहले बुक किया आपने। जब यहाँ पर आया पहला दिन जब आप रुके तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि सिखा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सब चल रहा था कि नहीं चल रहा था? पहला चल रहा था। जब आप आए थे सुन होगा नहीं होगा? हाँ जी। तो देखा अभी अभी तो पूरा आ रहा है। अभी पूरा आ रहा है, मतलब अभी आपको आप फ्रेशर हो ना? एज अ कॉन्फिडेंस मैं सच बताऊँ कि एज अ फ्रेशर ये इतना अच्छे आउटपुट देते हैं। नेपाल से, और अभी आप प्रॉपर कहाँ रहते हैं? सर मैं नेपाल में प्रॉपर रहता हूँ, भूलिया नेपाल में रहते हैं। तो एक मिनट हम आपसे क्या पूछना चाहेंगे कि जैसे आप दूर से आए तो अभी वहाँ से जो चीज़ें आप उम्मीद लेके आए थे, वीडियो में देखा था आपने, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे ये इशू बहुत अच्छा है सर। आप नेपाल में जितने भी लोग हैं, अगर मोबाइल का कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार एशिया टेलीकॉम का यूट्यूब में जरूर देखें, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और इनकी फीस भी बहुत कम है, सारी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, सब कुछ है। मेरे हिसाब से जो मोबाइल कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ पर आके लगा कि नहीं, रियल में यहाँ पर अप्लाई होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है आपके। और जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता वो चीज़ आप बार बार सर से पूछ सकते हैं। हॉस्टल में भी क्लास होता है आपको? यहाँ पे आपको कॉपी पेन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है आपको? नहीं है, टोटल प्रैक्टिकल होता बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे कॉपी पेन लाना नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल प्रैक्टिकल होता है और ये कोई भी कॉपी पेन लेके आपके माइंड में इतना कुछ चलता है ना, आपको कॉपी कलम की जरूरत नहीं है। मतलब आपके माइंड में सब कुछ इतना फिट करके लॉक कर दिया जाता है ना कि आपको कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग आइए यहाँ पे, मेरे नेपाल में जितने भी भाई लोग हैं अगर करना चाहते हैं मोबाइल का कोर्स तो एक बार आप एशिया टेलीकॉम में जरूर आइए। सही, जो नॉलेज पूरा चाहिए था ना वो तो पूरे को मिल गया। मैंने भी बताया भी है फर्स्ट टाइम, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मराठी मध्ये सांगतो, जो नहीं पण येणार आहे त्यांनी बिंदास बोलू जातो किंवा मनापूर्वक येऊन एशिया टेलिकॉममध्ये ॲडमिशन देऊ शकता। ॲडमिशन घ्यायसाठी कमीत कमी 3 महिने ॲडव्हान्स बुकिंग करावं लागेल कॅनडामध्ये। अच्छा, आप टेलीफोन को चुना तो अभी आपके मन में क्या है? जैसे आपने अभी हार्डवेयर की क्लास खत्म की, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप कैसे क्या बोलना चाहेंगे? सर पहले की तुलना में सर कॉन्फिडेंस लेवल 100% और बढ़ गया है मेरा, क्योंकि पहले क्या है कि सिर्फ जनरली हवा में ही काम करते थे। अब यहाँ पे आने सीखने के बाद हमको सब चीज़ों का जो गहराई से नॉलेज हुआ है तो बिल्कुल फैक्ट के साथ हम काम कर सकते हैं। मतलब दोस्तों जैसा कि होता है कि अभी तक अगर हम जो टेक्नीशियन होते हैं तो वो बेसिकली नॉर्मल जानते तो हैं कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये डायोड है, कलर से भी जानते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्क क्या है कि सिस्टम में क्या लगा होगा, सीरीज होगा, पैरेलल होगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी जानकारी हुआ में हम अनुमानित काम करते रह जाते हैं। तो अभी आपको वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें की है सर, सब इसका क्या काम है ये पूरा आपको दिया गया है। आई सी यू तक का नॉलेज आपको दे दिया गया है कि कौन सा सेक्शन कहाँ गया होगा, किस आई सी में गया होगा, सेक्शन वाइज कौन सेक्शन में कौन से कंपनी लगे रहेंगे, क्या काम करेंगे, ये सारे पूरा नॉलेज आपको दे दिया। अगर वो नहीं होंगे तो क्या पॉइंट है? एक ही बार में मेरा जो रिवॉल्व करके स्टेट ऑन हो गया था, मेरा फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम में सीपीयू बिठाया और मेरा वो ऑन हो गया। मतलब यहाँ पे दोस्तों जो ट्रिक दी गई आईसी रिवॉल्विंग की वो आपको समझ में आई? बिल्कुल। अब आप कोई मोबाइल की आईसी निकाल के लगा के या फिर आईसी हम बात करते हैं आइडेंटिफाई करने, कई बार दोस्तों कुछ लोग होता है कि वो आईसी निकाल के लगा भी लेते हैं, लेकिन आईसी को आइडेंटिफाई करना
कौन सी आईसी होगी, उसमें कौन कौन सी आईसी है उसके साथ में होंगी, पावर आईसी ऑल इन वन में क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या नंबर होगा किससे स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सी आईसी होगी, कौन से मतलब कौन सी सीपीयू के साथ में कौन सी आईसी लगी हुई, ये सब बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप सेटिस्फाई है, 100% थैंक यू। तो हम यहाँ बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सर राहुल है। कहाँ से हो? सर मैं आगरा से। आगरा से, तो राहुल एक बात, आप इतनी दूर से आए हो, तो अभी आप जो सोच के आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यूट्यूब में देख के आए थे, तो वो जो देख के आए थे वो चीज़ आपको यहाँ पे मिली या फिर सिर्फ ऐसा? उससे कई ज़्यादा मिला सर। मिला मुझे कई ज़्यादा मिला, जो सोच के आया था सर मुझसे बहुत ज़्यादा मिल गया सर मुझे। तो ये बताओ आप, हम ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे दोस्तों, समय हम ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सर, मैं 100% सबको ये बोलूँगा कि इंडिया का नंबर इशू ओनली एसी टेलीकॉम है और कोई नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब स्टूडेंट दिल से बोले, अभी हम बुलवा तो नहीं ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, सब दिल से बोला सर। तो एक बार हो ही जाए क्यों? और एक दो मोबाइल पे हमने चालू किए सीपीयू रिवॉल्व करके, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब अभी हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम कब घर पे जाएंगे सर, और कब अपने जो डेड मोबाइल पड़े हैं उनको रिपेयर करेंगे और प्रोग्रामिंग करके चलेंगे। इजीजेट और यूएफआई सब एकदम दिमाग में बढ़ गया सर। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ। अभिषेक नंदी, मुझे ये बताओ कि पहले दिन से लेके अब तक जो हमारा 14 तारीख हो गया है, आपने हार्डवेयर सीखा, कैसा अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले ऐसा था, काम तो हो जाता था मेरा, तो यूट्यूब वगैरह गूगल से फोटो वगैरह का काम होता था, मुझे उसका बेसिक नॉलेज पता नहीं था, मतलब हम जंपर कहाँ से कहाँ मार रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब काम बन जा रहा था, लेकिन पता नहीं था मतलब हो क्या रहा है उसमें। अभी हम लोग पता चल गया मतलब वो हमारा क्या चीज़ है, अभी सप्लाई की नॉलेज पूरी हो गई है, ट्रेसिंग आ गई है। सो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई फॉल्ट दूं जैसे टच का या डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है या रिंगर नहीं बज रहा है, तो आप आईसी लेवल तक बना पाएंगे क्या? आपको फॉल्ट फाइंडिंग आ जाएगी यहाँ पर? चलिए ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? इतना सोच के आया था, उतने दस गुना भी बहुत ना। अच्छा अच्छा, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आप बैठे रहो। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कमर रजा, मैं मुंबई से आया हूँ। कमर रजा, और कमर रजा आप ये बताओ, मुंबई से एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना, जबलपुर क्यों? मुंबई में तो इतने इंस्टीट्यूट है, हमको क्यों चुना? सर आपका यूट्यूब देख के बहुत परेशान हो गया सर, मैं कब सोच रहा मैं पहुँच जाऊँ। अच्छा, और ये सब काम सीखो, जब काम ढाई साल से कम कर रहा था, वो काम बारे की चीज़ नहीं आया। हाँ, तो अभी आप बताओ कि आप यहाँ आए हो, पहले दिन से अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या लगा, जो आपको चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला? वो मिला, मैं जो काम किया मैं कुछ ही नहीं काम किया, यहाँ आके बहुत कुछ सीखा हूँ। बहुत कुछ सीखे यहाँ पर, तो मतलब जो चिप लेवल जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम एक महीने में सीख सकते हैं, आपको यहाँ पे हार्डवेयर का क्या अनुभव मिला यहाँ पर? हार्डवेयर का बहुत प्रैक्टिकल भी मिला, थ्योरी भी मिला, सब कुछ मिला, बहुत कुछ सीख चुका। बहुत कुछ की बात करो या फॉल्ट फाइंडिंग की बात करो, या हम बात करें बहुत से लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग या जो सर्किट डायग्राम जो था ट्रेसिंग, आप बिना सर्किट डायग्राम के मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं? बिना सर्किट डायग्राम को ट्रेस कर सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू। आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? हम फुल सेटिस्फाई हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? उमेश, आप कहाँ से आए हो? बरेली, यूपी से। आप बताओ आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ पर? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर, बिल्कुल प्रेशर, और मैं ये सुन सकता हूँ मैं मेरा हर काम कर। अच्छा, मतलब अभी आप बोले आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आपको बिल्कुल जो नॉलेज नहीं था मल्टी मीटर का, बिजली का, डायग्राम का, वोल्टेज का, डायग्राम बनाता था। अगर मैं आपको लाइट सेक्शन दूँ कि मैं बोलूँ कि इसको ट्रेस करो, क्या आपको डायग्राम चाहिए होगा? नहीं नहीं, कर सकते हैं आप डायग्राम, कैसा मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही हमारे पास में स्टूडेंट है दोस्तों, मैं आपको और भी सारे स्टूडेंट को मिलाऊंगा, मैं अपने खास से आपको बुलाना चाहता हूँ। देखिए
आप आपका नाम क्या है यहाँ बताओ? अभिजीत। अभिजीत आप मुंबई से है ना? मुंबई में इतने सारे इंस्टीट्यूट, इतना महानगरी होने के बाद जबलपुर MPQ सर, मतलब यहाँ का आउटपुट अच्छा लगा मेरे को, मैंने जो सर्च किया वो मतलब सेटिस्फाई हुई वीडियो देख के, मतलब जो मतलब मेरे को चाहिए था वो वीडियो में इतना बेहतर दिखा दिए कि मतलब कोई आउटपुट देख के मैं यहाँ पे आया। जो आपको दिखा क्या आपको वहाँ मिला? यहाँ पे मिला, मैं मिला यहाँ पर, उससे भी बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा मिला पहले दिन से लेके, पहले दिन और अभी के में अभिजीत में कितना फ़र्क है? जो अभी जो जीरो जो शुरू से आप काम कर रहे हो, काफ़ी अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जैसे मैं अभी तक कर रहा था काम वो तो मेरे लिए जीरो लेवल पे था। यहाँ के अभी मेरे को सका असली में काम क्या होता है, टेक्नीशियन क्या हो, और बहुत सारे टूल्स का नॉलेज मिला, उसका नॉलेज मिला सही टूल्स कौन सा यूज़ करना चाहिए। डायग्राम की बात करूँ तो आप क्या डायग्राम का नॉलेज रखते हैं? यहाँ पर नॉलेज यहाँ के मिला मेरे को यहाँ पर। अगर मैं किसी आईफोन का बोलूँ या PB की बात करूँ या किसी डोंगल की बात करूँ या तो फिर बिना डायग्राम के क्या हम ट्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, IC लेवल तक, IC लेवल ये भी बता सकते हैं कि टच कौन सी IC पे जा रहा है, IC पे जा रहा है, CPU पे जा रहा है या पावर IC। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पर? यस सर, थैंक यू। ये मेरे साथ में यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये हमारे साथ में है जॉन। आप जॉन आप कहाँ से हैं बताइए? आप प्रॉपर कहाँ नेटिव प्लेस है? बॉम्बे। आप बॉम्बे से हैं बट आप लंदन में कितने साल से हैं? 3 साल से। 3 साल से जॉन, आप वहाँ करते क्या हैं? आप जॉब करते हैं, मतलब आप वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं जॉन। तो आप लंदन से आपने इंडिया को चुना, क्या ठीक है? मैं समझता हूँ वो आपका नेटिव प्लेस है, इंडिया में आपने मुझे क्यों चुना, एक रीज़न? सर मैं वहाँ पे देखा यूट्यूब पे बहुत अच्छा आपका देखा परफॉर्मेंस और अच्छा लगा, तो फिर और एक महीने के अंदर उधर कोई नहीं सिखाने वाला था, तो आपका यहाँ अच्छा एशिया टेलीकॉम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, तो फिर मैं यही आया। तो आपने जब यहाँ पर आए तो आपने सीट कंफर्म करने के लिए कितना समय लग गया? 3 महीना पहले बुक किया आपने। जब यहाँ पर आया पहला दिन जब आप रुके तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि सिखा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सब चल रहा था कि नहीं चल रहा था? पहला चल रहा था जब आप आए थे सुन होगा नहीं होगा? हाँ जी तो देखा अभी तो पूरा आ रहा है, अभी पूरा आ रहा है, मतलब अभी आपको आप फ्रेशर हो ना, एज अ कॉन्फिडेंस मैं सच बताऊँ कि एज अ फ्रेशर ये इतना अच्छे आउटपुट देते हैं, जो भी चीज़ इनसे पूछूँ हर सवाल का सही जवाब देते हैं। डायग्राम्स की बात करूँ आपको, वो आपको सब रीड करना या बिना डायग्राम के आप मोबाइल को, जैसे अगर मैं एक रिंगर सेक्शन दूँ, एक लाइट सेक्शन दूँ, एक टच का दूँ कि टच में वो किस IC पे जाता है, तो अपन ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलिए ठीक है, आपको कैसा है कॉन्फिडेंस? अभी आता है कि नहीं आता कॉन्फिडेंस? चलिए ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? तो दोस्तों ये मेरे साथ पहली बार ऐसा है, हालांकि मेरे पास आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे आए हैं, ये UK से पहली बार है कि एक लंदन से हमारे पास स्टूडेंट आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, तुम ले लो। नेपाल लड़ा दोस्तों, ये नेपाल लड़ा है छत्तीसगढ़ से, नेपाल ने यूपी आपका हार्डवेयर का आपने कंप्लीट किया, तो अभी आप क्या बहुत अच्छा हो गया, जो आपने सीखा तो वो आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके सब जाके आपका अभी आपको कोई सफाई सफाई आ जाए कोई भी आप बिहार से यार, मैं कहो तो बिहार में तो बहुत सारे स्कूल है नामी स्कूल, आप वो छोड़ के और यहाँ इतनी दूर आए दोस्तों, जैसे कि ये 2 इंस्टीट्यूट पढ़ के आ चुके हैं और अभी ये तीसरे में आ चुके हैं, ये बताओ आपने 2 इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा और ये हमने एक जो पढ़ा, अभी आपको कितना इतना आसान है, हम लोग के पास निंजा टेक्निक भी है। अच्छा, अब सेकेंड में आप कोई भी ट्रेसिंग करोगे 5 सेकेंड में आपसे बता दोगे कि हाँ ये सही तरीका है। चलिए ठीक है, कुछ चार पाँच
राहुल चंद्रकांत कहाँ से आप? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र और बहुत सारे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपने सब छोड़ के और यहाँ पे इतनी दूर आ रहे हैं। अच्छा, तो एक जैसा सुना था वैसा हुआ पाया था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बट वो ऐसा तो नहीं था जो आपने सुना उससे कुछ उम्मीद मिला? नहीं, ऐसा कुछ। पहले मैं आपसे रियल है, मैं आपसे बुला रहा हूँ कि आप ऐसा बोलिए जो था वो उससे उससे ज़्यादा महाराष्ट्र से। तो अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी महाराष्ट्र से आप लोग शायद साथ में आए होंगे, तो आपने क्या सोचा था और यहाँ पर जो आए गए यहाँ से आने के बाद आपको उठना हुआ या कुछ? जो हमको चाहिए था वो मिला। तो मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो, जो भी मोबाइल आएगा रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू। यहाँ मिलते हैं हम। क्या नाम है आपका? रोशन तिवारी। रोशन, कहाँ से हो आप? मुंबई से। मुंबई से? मुंबई से आप भी हैं, मुंबई में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे आए सब कुछ छोड़ के। तो ये बताइए कि आपने जो चीज़ सोच के आए, जो वीडियो में आपने देखा, क्योंकि वीडियो का आउटपुट देख के आप बताए होंगे, तो वो चीज़ें पूरी हो रही है कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से आप रिव्यू दे रहे हैं उसी तरह से कोई दूसरा भी रिव्यू दिया था उसी रिव्यू को आप देख रियल। ठीक है, तो अभी आप सेटिस्फाई हो? ओके, थैंक यू। यूपी से। तो विकास, ये बताओ कि आप जब मेरे पास आए तो मुझे याद है दोस्तों कि मैं एक बैठा था और ये अचानक आ गए थे और ये काफ़ी देर से परेशान थी सीटों के लिए, तो ये जब आए थे तो उस समय ये बताइए आप एक बार आके देख के लौट ही गए थे, फिर आप दोबारा क्यों आ गए? क्योंकि आपने स्टूडेंट का आउटपुट भी लिए होंगे, आपके बुक देखा जो विश्वास था कि सही है यहाँ पर। सर मैं आया और आगे भी मेरा विश्वास बता हुआ विश्वास बना रहा, अच्छी बात है सर। काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहा, बहुत संतुष्ट हूँ। तो मतलब दोस्तों ये एक बार यहाँ आके लौट भी गए थे और फिर दोबारा आ गए, क्योंकि एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आया वो एक बार आए तो समझ आता है, लेकिन जो यहाँ से आके और फिर लौट के गया हो सिर्फ सीट के लिए और दोबारा आ रहा हो, तो ये एक बड़ी बात है। तो अभी आप यहाँ भी आना चाहेंगे? दोस्तों इनको हिंदी प्रॉपर नहीं आती, मैं इनसे हिंदी में सवाल करूंगा और ये तेलुगु में जवाब देंगे, और हो सकता है कि तेलुगु तो मुझे समझ में नहीं आती, तो इनके दिल में जो होगा वो बोलेंगे। तो आप गलत भी बोल सकते हो, सही बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो हो आप दिल से बोलिए। तो ये बताइए कि आप कहाँ से हो? तेलंगाना से। तेलंगाना से। तो ये बताइए तेलंगाना में वहाँ भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट होंगी, ऐसा तो नहीं है? बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, फिर भी आप वहाँ से छोड़ के और हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर जैसे शहर में आ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अभी आप हार्डवेयर की क्लास में, तो अभी आप क्या बोलना चाहोगे? चाला नेर्चुकुन्ना हैदराबाद इंस्टीट्यूट उन्नाई कानी 2 months 3 months కోర్స్ ఉంది ఇక్కడ 10 డేస్లో చాలా నేర్చుకున్నా సార్ బాగా చెప్తున్నారు। तो दोस्तों मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ ये क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी बताइए कि आप यहाँ पे आपने जो सीखा अभी आप जाके जब काम करोगे तो पूरे कॉन्फिडेंस से काम कर पाओगे? 10 రోజుల్లో చాలా కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది, ఎవరిని వచ్చినా కూడా మన తెలంగాణ నుంచి రావచ్చు ఆంధ్ర నుంచి రావచ్చు చాలా బాగుంది కోచింగ్ కింద। दोस्तों अगर अगर आप वहाँ पे हैं इनके एरिया में हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये अच्छे ही बताइए कि आप सिखा भी सकते हैं किसी को? जब तक अच्छा नहीं लगता अंदर गिरता
मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को चला सकते हैं? चला अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। चलिए ठीक है दोस्तों, और अगर ये बताइए कि कोई स्टूडेंट वहाँ से आना चाहते हैं उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि देखिए आप जिस तरह से यूट्यूब में आपने कहीं यूट्यूब में देखा फिर आप यहाँ पे आए, तो यूट्यूब के लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब में चीज़ें फेक ही होती है, तो आप उन सब चीज़ों को लेकर क्या बोलना चाहोगे? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా నేర్చుకున్నా, మా మనలో కూడా ఏమన్నా చూస్తే ఇట్లా యూట్యూబ్లో చూస్తున్నా కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చి చాలా నేర్చుకోవచ్చు. నాకు తెలిసి అయితే అందరూ రండి 100%. अच्छा मतलब हम कोई ऐसा तो नहीं कि आपको बोले नहीं आप ऐसा बोलो, आपको ऐसा फोर्स कर रहे हो? ఏం లేదు, నాకైతే ఏం చెప్పమని చెప్తలేరు, నా ఓపెన్ గా దిల్లో ఉన్నా చెప్తున్నా. చలే ठीक है, थैंक यू. और ये बताइए आप सैटिस्फाई हो? చాలా సాటిస్ఫై అయినా, నాకు ఏం రాదు, ఫస్ట్ నుంచి ఏం రాదు, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా నేర్చుకున్నా, 10 రోజుల్లో నేర్చుకున్నా. ओके थैंक यू. दोस्तों मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन अगर आप तेलंगाना से हैं तो आप समझ गए होंगे इन्होंने क्या बोला होगा, क्योंकि इसलिए वो हिंदी में समझ पाते हैं लेकिन हिंदी बोल नहीं पाते. तो चलिए ठीक है, हम आगे परिचय कराते हैं. और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है. गुरप्रीत कहाँ से हो आप? गुजरात. दोस्तों गुजरात में, अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आपके, कुछ अच्छी भी हैं. एक्चुअली क्या है, वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, अपन 3 महीना 4 महीना उतना हमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. अच्छा मतलब 4 महीने. देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक 4 महीने और एक महीने, क्योंकि हम लोग जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी दुकानें हैं, तो 4 महीने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीने हम दुकान बंद करने में बहुत सोचते हैं. तो जैसे कि उन्होंने बताया 1 महीने हो चुकी है. मैं एक्चुअली क्या कंपनी में जॉब करता हूँ, जो मल्टी लेटर कंपनी है वहाँ बेरिंगें बनती है, और वहाँ मुझे ऐसा तो था ही नहीं का ऑप्शन कि मैं 3 या 4 महीना का ही छुट्टी लेके और वहाँ कहीं सीखने जा सकता. मेरा आने का कारण सिर्फ यही था कि मुझे 1 महीने में ही सीखना था. अच्छा एक बात और है कि आप जॉब छोड़ के 3 महीने 4 महीने आप दे रहे हो, और मान लो आप ये भी आपके अंदर ये भी होता है कि बाई चांस अगर हम नहीं सीख पाए नहीं कर पाए तो हमारा वो 4 महीने भी बर्बाद और जॉब भी बर्बाद. लेकिन अब आप ये बताइए कि आपने यहाँ भी 15 दिन गुजार लिए, 15 दिन में अपने आप हार्ड लेवर कम्प्लीट किया है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि अगर मैंने जॉब छोड़ा तो मैं उतना समझ कर सकता हूँ? कर सकते हैं, काफ़ी सारे पहले से तो मैं 8 साल से काम कर ही रहा था, पर मुझे अभी काफ़ी सारे अलग अलग टिप्स जो मिले हैं जो मुझे लगता है कि मेरे बहुत काम आए. मतलब अब आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हो. तो हम यहाँ मिलवाना चाहेंगे. क्या नाम है आपका? देवेंद्र गिरी. नहीं कहाँ से आप? लखनऊ से. देवेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, अभी आप काम करते थे या फ्रेशर? अच्छे बहुत. ये जैसे फ्रेशर के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब चीज़ों को बताते हैं तो वो चीज़ें आप कभी कभी कैप्चर कर भी पाते हैं या नहीं भी कर पाते, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं. तो ये बताइए वो सारी कन्फ्यूजन आपके दूर हो रहे हैं? अभी सर दूर हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे हो सकता है कि 1-2 दिन 3 दिन आपको फ्रीम होती हो, जो कि शुरुआत की दोनों में जब आप आए होंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रही होगी. चल क्या रहा है दिमाग से ऊपर भी कई बार होता है कि इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं. लेकिन ये बताइए कि वो चीज़ें आज आपका जो हार्डवेयर क्लास खत्म हो चुका है, अब बताइए कि वो सारी चीज़ें आप कंप्यूटर दूर हुआ कि काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं? हाँ ये भी एक मैटर करता है दोस्तों कि आप जब कोई चीज़ सीखते हो और सीखने के बाद आप तुरंत टेक्निशियन नहीं बनते हो, आपको नॉलेज के साथ प्रैक्टिस कंपल्सरी होती है. अगर मैंने आपको कोई टिप दी, जब तक आप उसको पीसीबी में यूज़ नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? तो अभी आप क्या कहना चाहोगे, मान लो अगर आप एक दुकान खोलते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है? सर कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, आपको मतलब कॉपरेशन भी बहुत अच्छा रहता है. चलिए ठीक है, तो मतलब आप जो चीज़ सोच के आ रहे थे सर उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ही है ना सर, उससे बहुत अच्छा ही लगा. अभी आ रहे तो कंप्लीट वाली सॉफ्टवेयर अभी शुरू हुआ है, सबसे चालू हुई है. चलिए ठीक है, हार्डवेयर में इतना मज़ा आ रहा है तो सॉफ्टवेयर में मज़ा आने वाला है. चलिए ठीक है, थैंक यू. हम कहना चाहेंगे आपसे ये है, कहाँ से आप? मैं कर्नाटक. बदरुद्दीन. बदरुद्दीन. दूसरे बदरुद्दीन नूरी है कर्नाटक से. कोई बात नहीं, तो अभी ये बताइए कि आपने यहाँ पे सीखा, आप
इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि कर्नाटक से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो, और आप दिल से बोलना जो आपके अंदर हो, अगर आपने सीखा है नहीं सीखा वो चीज़ आप बोल सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं प्रेशर उसको मोबाइल के बारे में जानते नहीं थी, अगर यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारा मालूम हो गया। जिंदा सर जोश में पढ़ाते हैं ना उतना जोश से समझाते भी हैं, क्योंकि जोश में जितना पढ़ाने का जिसमें जितना जोश है ना उतना आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि टीचर जैसा हो स्टूडेंट भी वैसा फॉलो करता है, अगर टीचर के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है तो स्टूडेंट उसी को फॉलो करते हैं। सर जो है ना वक्त के पाबंद है, करेक्ट टाइम टू टाइम पढ़ेंगे और एक्टिव ऊपर एकदम पढ़ाने के टाइम पर इधर भी बहुत जोश से पढ़ाते हैं और अच्छा तरीके से पढ़ाने के साथ पढ़ाने के समय पे कोई दूसरा काम नहीं किसी को रिस्यू नहीं करेंगे, किसी से ये नहीं करेंगे, और मजा कितने में कॉमेडी में मजा कर लेते हैं और पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। टीचर कम फ्रेंड हाँ दोनों भी है सर, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, संसार का समझाने का और पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया, पसंद आ गया। तो अभी आप यहाँ से हम मैं जाके थोड़ा सा काम करते हैं, इंशाल्लाह मैं थोड़ा दोस्तों की बातें हम यहाँ, क्या नाम है आपका? अनुराग श्रीवास्तव सर। कहाँ से हो? मैं धार से हूँ, एमपी से ही हूँ। अच्छा, धार से हूँ, राजापुर की नगरी से। तो अनुराग एक गाँव का हो, हालांकि आप मेरे एमपी से ही हो, पर फिर भी एमपी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और आपने यहाँ दोस्तों हम मिलवाना चाहेंगे। कोई बात नहीं, आपको हिंदी नहीं आती, आपको जो आती है दोस्तों ये केरला से हैं और रियाज हैं और इनको हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी में हम सवाल करेंगे, आप रिप्लाई अपने केरला में दे सकते हो। तो रियाज एक भाव, तो आप वहाँ पे यहाँ पे फ्रेशर हो या फिर आप काम करते थे? करते थे लेकिन चीज़ें अनुमानित होती थी, मतलब कर तो देते थे, काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो अभी ये बताइए कि आप अब जो काम करोगे पहले में और अब में कितना परसेंट है, कितना अंतर होगा? काम करता है थोड़ा समझ के काम कर सकते, मतलब आपको सेक्शन वाइज जानकारियाँ दे दी गई हैं कि आप पर्टिकुलर वो काम कर सकते हो, ठीक है ना। ये फिर यार आप यहाँ पे आके जो उम्मीद लेके आए थे, जो YouTube वीडियो में आपने देखा वो सारी चीज़ यहाँ पूरी हो रही है? कोई आप केरला में बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर केरला से कोई आता है आप उसके लिए क्या बोलना चाहोगे, और दिल से बोलना, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बनाओ बोलना है या कर रहे हैं, आप दिल से बोलना है जो भी बोलना चाहते हो, केरला में बोल दो कोई दिक्कत नहीं, आप जो दिल से बोलना चाहते हो। अगर कोई आने वाला स्टूडेंट है केरला से आ रहा है, कहीं आपके पास से आने वाला है, तो आप क्या बोलना चाहोगे उसको कि क्या देख के आए, या फिर यहाँ पे जो भी है सही है या फेक है, क्योंकि वीडियो में फेक भी हो सकता है, क्योंकि आप जो रिव्यू देख के आए तो आज वही रिव्यू आप दे रहे हो, तो सारी चीज़ फेक थी या रियल थी? നോർമലി ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു നമുക്ക് സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും, കാരണം ഓരോരോ സർക്യൂട്ട് വൈസ് ഇവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജാണ് കിട്ടുന്നത്. മീൻസ് ഒരു സി ഒരു പവർ ഐ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ, ഒരു കമ്പോണൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇ എം എം സി വരയ്ക്കും ഓരോരോ കണക്ഷനുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സർക്യൂട്ട് വൈസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ട്രിക്കുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് ഈ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് 6 മാസം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ 8 മാസം കൊണ്ടും കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ സർവീസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സർവീസാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷേഴ്സിനാണെങ്കിലും വളരെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഞാനും ഒരു 4 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒരുപാട് അറിയാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. चलिए ठीक है, थैंक यू रियाज जी, आपने क्या बोला मुझे समझ में तो नहीं आया। दोस्तों अगर आप केरला से हैं तो इन्होंने जो भी बोला आप समझ सकते हैं, तो चलिए ठीक है, थैंक यू रियाज जी। हम यहाँ बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप बैठ के खाते हैं। मेरे को भी हिंदी नहीं, कल यहाँ पर मराठी में बात कर सकते हैं।
कन्नड़ या मराठी। दोस्तों इनको भी हिंदी प्रॉपरली बोलनी नहीं आती, कोई बात नहीं, हम हिंदी में आपसे बात करते हैं, आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? विश्वनाथ कराड़े। विश्वनाथ कराड़े। तो विश्वनाथ जी ये बताइए कि आप कितनी दूर से आए और यहाँ पे जो सोच क्या थी, आपने हार्डवेयर की क्लास खत्म की, तो अभी आपको आप क्या बोलना चाहोगे, आपने चीज़ें सीखी या सीखी किस लेवल तक आपने सीखी है, क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ मैं अभी कभी कभी दहा वर्गला माता दुकान है ऑलरेडी दहा वर्गला तरीपन त्यांचा मला पुरेपूर पुरेपूर नॉलेज नव्हतं, अर्धवट नॉलेज नव्हतं, त्यासाठी मी पुरेपूर पूर्ण नॉलेज घ्यायकरतो एशिया टेलिकॉममध्ये इथं आलेला आहे। तरी मला पुरेपूर नॉलेज रेसिंगचं नॉलेज मिळाला आणि आय सी यू तक का नॉलेज आपको मिला, के अंदर का बॉल का नॉलेज मिला। अच्छा अरे क्या मतलब आई सी के अंदर का बॉल तक बता देंगे कि क्या चीज़ कौन सा सेक्शन कहाँ गया है, सप्लाइयाँ कहाँ तक गई हैं, और अगर हमें आई सी में प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार आई सी पढ़ लिया था ना, अगली बार आएगा रिंगर सेक्शन का, उसी पॉइंट में जब मतलब दोस्तों ये बात है कि आप ड्रेसिंग इस लेवल तक कर लेते हैं कि अगर एक बार आपके पास मोबाइल आ गया आपने ड्रेसिंग कर ली, आप ऑलरेडी उसको कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे मेरे को जैसा चाहिए उससे 10 गुना 100 गुना 100 गुना से ऊपर ही मिल गया, मतलब आपने जितना सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिला। मेरे को पूरा चाहिए, जो नॉलेज पूरा चाहिए था ना वो तो पूरे को मिल गया, मैंने भी बताया भी है फर्स्ट टाइम, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं मराठी मध्ये सांगतो, जो नहीं पण येणार आहेत त्यांनी बिंदास थोडं जातो किंवा मनापूर्वक येऊन विषय टेलिकॉममध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता। ॲडमिशन घ्यायसाठी कमीत कमी 3 महिने ॲडव्हान्स बुकिंग करावं लागते कनाडामध्ये। अच्छा आप ये बताइए कि आपने सीट बुक कराने के लिए कितने महीने आपको लगे? कमीत कमी 6 महीने लगा था, 8 दिन रहती तो अगर वो फोन है 6-62 दिन अंदर वो फोन बने ला ये हो सकता है। इसके लिए हम सॉरी भी बोलना चाहेंगे कि आपको एडमिशन में इतना वक्त लगता है, लेकिन दोस्तों मेरी भी एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सीटें फिक्स होती हैं और जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर हम बुला भी लें, मान लो हम फ्रेंचाइजी खोल के बुला भी लें, तो क्या हम जो चीज़ें दे पा रहे हैं वो हम दे पाएंगे? जो बिल्डर के साथ पढ़ा रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम कहीं पर ब्रांच डाल देते हैं क्या वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो दोस्तों हमारे पास जो सीटें होती हैं वो फिक्स होती हैं और उससे ज़्यादा जो सीटें होती हैं वो नेक्स्ट मैच में जाती हैं, नेक्स्ट मैच की बुकिंग हो जाती है। और फ़ोन जैसा कि आपने कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया, आपको रिप्लाई किया, सौ बार तो कॉल किया रहे, मेरे को टाइपिंग नहीं आती थी मैसेज करने के लिए, जितने बार भी बोलो मैसेज में हुई थी मैसेज टाइप करो, मेरे को पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। तो अभी आप क्या बोलना चाहोगे कि मान लो किसी का फ़ोन नहीं उठता, मैसेज या रिप्लाई नहीं मिल रहा, अभी तो मेरे को पता चल गया ना काई काई के लिए क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू। जैसे से मैं नेपाल से हूँ सर, नेपाल बुटोल नेपाल से, और अभी आप प्रॉपर कहाँ रहते हैं? सर मैं नेपाल में प्रॉपर रहता हूँ, बुटोल नेपाल में रहते हैं। तो एक मिनट हम आपसे क्या पूछना चाहेंगे कि जैसे आप इतनी दूर से आए तो अभी वहाँ से जो जो चीज़ें आप उम्मीद लेके आए थे, वीडियो में देखा था आपने, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे ये इशू बहुत अच्छा है सर, आपको नेपाल में जितने भी लोग हैं अगर मोबाइल का कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार एशिया टेलीकॉम का यूट्यूब में जरूर देखें, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और इनकी फीस भी बहुत कम है, सारी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी सब कुछ है। मेरे हिसाब से जो मोबाइल कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि होता है अदर इंस्टीट्यूट में ये जो क्लासें होती हैं, तो अपने यहाँ की क्लास में उनकी क्लास में जैसे आप मतलब जैसे दिन में कोई कंफ्यूजन है तो अभी रात में होती है धूप होती है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे क्लास बहुत ज़्यादा होता है, ये मत सोच के ना कि आप लोग यहाँ पे आराम करें, यहाँ पे आराम करने का मौका मिलता ही नहीं है। यहाँ पे सुबह आपके 11 से लेकर 7 बजे तक क्लास होती है इंस्टीट्यूट में, और रात को फिर हॉस्टल में क्लास कराते हैं राजेश सर, रात भर 12-1 बजे तक चलती है, नींद तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप सोना भूल जाइए, बिल्कुल सर सोना भूल जाइए, आप रिलैक्स करने आ नहीं आ रहे हैं। तो सर ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा इशूट है, मैं नेपाल में जितने भी लोग मोबाइल का कोर्स करना चाहते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप एशिया टेलीकॉम का यूट्यूब में वीडियो जरूर सर्च कर लें, और ये सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है आपका, ऑल ओवर इंडिया में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैंने भी कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स किया था इंडिया से,
और मैं मोबाइल में बिल्कुल फ्रेशर हूँ। मेरा नेपाल पे कंप्यूटर का शॉप है और हमारे यहाँ मोबाइल की इंक्वायरी बहुत आती थी, तो मैंने सोचा चलो मोबाइल का भी कोर्स कर लेता हूँ। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मुझे एशिया टेलीकॉम मिला। फिर मुझे डर लग रहा था मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन फिर इतनी दूर आपको आना, लेकिन यहाँ पर आके लगा कि नहीं, रियल में यहाँ पर पढ़ाई होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है आपके यहाँ। और जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता वो चीज़ आप बार बार सर से पूछ सकते हैं। और हॉस्टल में भी क्लास होता है, मतलब यहाँ पे आपको कॉपी पेन की जरूरत है कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, टोटल प्रैक्टिकल होता है। बहुत अच्छा स्टूडेंट सर, इसमें ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको यहाँ कॉपी पेन लाना नहीं होता। जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे टोटल प्रैक्टिकल होता है और ये कोई भी कॉपी पेन लेके आपके माइंड में सब कुछ चाबी देखिए इतना फिट करके लॉक कर दिया जाता है ना कि आपको कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग आइए यहाँ पे, मेरे नेपाल में जितने भी भाई लोग हैं अगर करना चाहते हैं मोबाइल का कोर्स तो एक बार आप एशिया टेलीकॉम में जरूर आइए। नहीं नहीं दिल से बोल रहा हूँ मैं, एकदम से मैं किसी से डरता भी नहीं, जो चीज़ फैक्ट्स है मैं वही बोल रहा हूँ। एशिया टेलीकॉम से इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है। चलिए थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में ये भी कहाँ से आप नेपाल से, क्या नाम है आपका? तो अभी ये बताओ कि आपने नेपाल से, जैसे कि आपने देखा ये तीनों लोग नेपाल से हैं, तो ये बताइए कि आप वहाँ से यहाँ आए फ्रेशर, एज ए फ्रेशर आए, इसके पहले काम करते थे क्या? नहीं करते थे। तो आप फ्रेशर हो यहाँ पे आके दो दिन, तो आपको हो सकता है दो दिन में जब आप आए रहे तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रही कि सीखें नहीं सीखें, सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो वो दो दिन और आज हार्डवेयर पूरा हो चुका। अभी आप क्या बोलना चाहोगे, आपका रुकना सही था या नहीं? सही था सर, सोच रहा हूँ, सोच के आया था ये तो हो गया, पूरा हो गया, अब आगे देखते हैं। अभी आगे आप दुकान खोलोगे प्रैक्टिस में, मतलब आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया है कि मैं अब काम कर सकता हूँ? हाँ जी सर। तो आप फिर खाई लोगे? ओके इनके बारे में एक बात बता दें कि पिछली बैच में आकर लौट गए थे। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई भी स्टूडेंट एक बार यहाँ आके पढ़ के और एक दिन में लौट जाए तो कई बार दोस्तों कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पैसे की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों कोई पैसे लेते हैं क्या? दोस्तों ये हमारे इंस्टीट्यूट में दो दिन जिस तरह से पैसे नहीं ले जाते, हम तो सीधा चैलेंज करते हैं आप दो दिन आओ पढ़ो फिर पैसे दो। आप ऐसा आप सेटिस्फाई हो तभी पैसे दो। तो ये बताइए कि आप दो दिन आए थे तो कई बार दोस्तों की पैसे की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों के पास, जैसे कि कई बार लोग यहाँ से जाने के बाद और फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में तरह तरह की बातें करते हैं हमारे बारे में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता और वही चीज़ जब लौट के जाते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये एक बार लौट के जा चुके हैं और फिर यहाँ पे आए, तो ये आप क्या सोच रहे थे और क्या सोच के आए? सर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला, इससे पहले काम करता था। अच्छा। तो लेकिन मुझे कंपोनेंट्स तो पता था लेकिन उसके बारे में पता नहीं था कि क्या टेस्टिंग है। टेस्टिंग भी पता थी लेकिन उतना डीप नहीं पता था, और ड्रेसिंग का नॉलेज नहीं था मुझे, यानी टेस्ट कर नहीं पाता था मैं उतना। मैं आज मुझे इतना नॉलेज है कि मैं स्पीकर के डिप से लेके आइए तक की मैं टेस्ट कर सकता हूँ। मतलब आप पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन हो, हाँ, अब आपके अंदर आपके पास फॉल्ट आता है, हाँ, तो आप आईसी तक, हाँ, उसका पूरा फॉल्ट फाइंड कर सकते हो, कोई भी आईसी निकाल के लगा सकते हो? हाँ, लगा सकता हूँ। अच्छे होते हैं कि जब आप एक बार गए थे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिले थे, उनका आउटपुट आपने लिया था, आपने पूछा था क्लास में कुछ अपना सर का आउटपुट देखा, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं दोबारा वापस आया। तो आप अगर फेक हो तो आप जा भी सकते थे? हाँ, वापस जा भी सकता था, लेकिन फिर भी आप दोबारा आए। तो अभी आप ये बताओ क्या बोलना चाहोगे अगर कोई देख रहा है आपको, क्योंकि आप जो रिव्यू देख के आए हो तो जाहिर सी बात है उसी जगह पे आज आप खड़े हो, आप क्या बोलना चाहोगे? सर यहाँ पे ऐसे सब रिव्यू नहीं है, आउटपुट देख के आया था यहाँ पे, हनीमून का सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो देख के आए थे वो चीज़ मिली मुझे यहाँ पे, वो चीज़ें हैं। हाँ वो चीज़ मिली मुझे, आप खाई हो तो ये हमारे एमएमसी का स्टूडेंट है। तो दोस्तों हमारे साथ में मेहर सर जो कि एमएमसी प्रोग्रामर है और ये टीच करते हैं, तो जैसा कि हमारे साथ एमएमसी के स्टूडेंट हैं तो हमारे मेहर सर इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों से और उसके इनका आउटपुट क्या है।
आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हो? पुणे महाराष्ट्र से। पुणे महाराष्ट्र से। तो कैसा लगा यहाँ एमएमसी का? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ आप सच में दिल से बताना कि कैसा सिखाते हैं, प्रैक्टिकल की नॉन प्रैक्टिकल, क्या ये बता देते हैं सब ये करो किस है? सब कुछ प्रैक्टिकल है ना, सब हाथ से किए हो, वीडियो वगैरह जो भी है सब हाथ से किए हो। कैसा लगा? एकदम अच्छा। तो इस बार फ्यूचर में जाके काम कर सकते हो? हाँ सर, एकदम कॉन्फिडेंस है ना सर। कोई भी काम जैसे शॉटिंग वगैरह, सीपीयू की रिवॉल्विंग है ना, जो भी प्रॉब्लम आती है लेटेस्ट प्रॉब्लम है ना। तो हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट है, हमारे जो है आपका नाम शकील है, शकील, और ये आए हैं कहाँ से? कर्नाटक से। तो शकील ये बताओ कि कैसा लगा यार? सर बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो सोच के आया सर वो मुझे मिल रहा है। मिला। तो आज आपके लास्ट आखिरी क्लास होगी और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगी। जी सर। तो ये बताओ तुम कितने फ़ोन लाए थे और कितने फ़ोन खुद हाथ से बनाए? सर मैं 20-22 मोबाइल लाया था सर, एक 8-10 मोबाइल हो गए सर, जो नहीं बने उसका पार्ट्स रिप्लेस करना है, मैं कस्टमर को पूछ के बनाना होगा सर। तो कैसा मतलब ये बताओ कि व्यूचर में जाके तुम अपने हाथ से काम? हाँ सर कर ले। तो अभी जीते और UFI दोनों ले रहे हो? जी सर। ये हमारा पूरा एमएमसी स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की है, उसका नाम है रामादेव साहू। तो रामा सर कैसा लगा यहाँ? सर बहुत अच्छा लगा। क्यों चुना है इसका वेलकम? सर यहाँ से कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ का आउटपुट पता है और इसी कारण से मैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है, इसी कारण से मैं यहाँ आया हूँ। तो मतलब ये है तुम कभी 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 हुआ इसी दिन के कारण है ना। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6-7 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कन्फर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो सर्किट बना रहा था अच्छा नंबर बना के, जो टेक्नीशियन लोग, तो वो भी अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना होगी, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से। हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था है तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है स्टूडेंट को चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ उसमें, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सक लेगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? I'm also 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission, 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission, 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.